हाय गर्ल्स, बंगलू महिला पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके लेक्चर ममता सामोता। आज अपन शुरू कर रहे हैं अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी के अंदर बुक है जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। उसका टॉपिक है, जैसे मैंने पहले आपको क्लासेस समझाई थी उसके अंदर फैमिलीज थी, वो फैमिलीज के अलावा आज अपन पढ़ेंगे टीनोफोरा। टीनोफोरा का स्पेसिमेन है बोरे। इसके अंदर 3-4 स्पेसिमेन है, मैं सिर्फ आपको एक कराऊंगी जिसका नाम है बोरे। हम इसके अंदर देखेंगे ये क्या करता है, समुद्र में पाया जाता है। जूलॉजी पढ़ रहे हैं मतलब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी एनिमल यानी जो जीव है जो समुद्र के अंदर या सरफेस पे कहीं भी पाया जाएगा उसके बारे में, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो देखेंगे। तो बैरल क्या होता है, थोड़ा लोअर एनिमल होता है, बहुत सूक्ष्म जीव होता है जिसके बारे में आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको आपके अंदर क्लासिफिकेशन, फिर इसके अंदर क्या हैबिटेट पाया जाता है, उसके बाद में उसकी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या स्पेशल फीचर्स है वो मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले शुरू करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। फाइलम होता है टीनोफोरा, ठीक है, जिसमें सी साइलेंट होता है, ठीक है, टीनोफोरा। अब मैं आपको इसके अंदर ज्यादा थोड़ी कराने से अच्छा है मैं आपको इसको पॉइंटों के अंदर समझा दूंगी कि कथा बाजने से अच्छा है अपन थोड़ा शॉर्ट नोट्स में देखते हैं इसके अंदर स्पेशल फीचर्स, मतलब इसके कैरेक्टर्स क्या है जो शॉर्ट नोट्स में देखते हैं। सबसे पहले कैसा होता है बहुकोशिकीय, मतलब इसका शरीर कैसा होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। कैसा होता है बहु मतलब बहुत प्लस कोशिका, मतलब कोशिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है इसके अंदर। इसका द्विअरीय संबंध होता है, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक काटे तो ये दो बराबर समान भागों में बट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसका शरीर संगठन यानी कोशिका उत्तकीय प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। हमने पता था कि कोशिका कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र बना के होल ओवर शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर जो शरीर होता है वो किस तरीके का होता है, कोशिका प्लस उत्तक, यानी फिर कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, एंड ऐसा इसका शरीर होता है। थोड़ा हायर नहीं होता, लोअर एनिमल है, ठीक है, निम्न वर्गीय जंतु है, ठीक है। देन अगला टॉपिक इसका एकल वह स्वतंत्र जीवी, ठीक है, अकेला रहेगा और हमेशा फ्री रहेगा, किसी ना सरफेस से चिपका हुआ पाया जाएगा ना किसी जीव से जुड़ा हुआ पाया जाएगा, ठीक है। अगला इसमें दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, मतलब किसी मारने के लिए कोई चाबुक समान संरचनाएं नहीं होती है, चक्कू जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है कोई किसी भी जीव को मारकर या पकड़ सके, ठीक है, ऐसी नहीं होती है। होता है मांसाहारी है लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कैसी होती है अनुपस्थित। नेक्स्ट इसके अंदर इसके शरीर के बाद आठ कमरुक पट्टिकाएं कॉम्प्लेक्स, ऐसी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, कितनी, आठ। मैंने अभी तीन या चार बनाई लेकिन नॉर्मली आठ से आठ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमने इसका स्पेशल फीचर देख लिया, वही किसके अंदर टीनोफोरा के अंदर आएगा, तो जो भी जीव टीनोफोरा के अंदर फाइलम के अंदर आएगा उसके अंदर ये सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। देन अपन नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्लास क्या है इसकी, न्यूला, ठीक है। क्लास है मतलब इसमें क्या है, स्पर्शक अनुपस्थित, जो इसके फिलामेंट है वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। शरीर लंबा होगा और कैसा होगा, शंकु रूपी होगा, देखिए आपको शंकु की शेप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुंह कैसा होगा, चौड़ा होगा, आपको इसका ओरल दिख रहा है रीजन, मुंह चौड़ा होगा। ग्रसनी कैसी होगी, लंबी होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंड तक क्या होगी, ग्रसनी, ठीक है। स्पेशल कह रहे बात एक और है, इसके अंदर उत्सर्जन नहीं होता है, मतलब जो खाएगा उसको निकालता नहीं है, ये शरीर के अंदर ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। देन इसका आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर आएगा बरोइडिया, बरोइडिया इसका ऑर्डर है, मतलब क्या करता है, ये सभी सदस्य समुद्री मिट्रस कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, समुद्री मिट्रस। मैंने आपको ये टॉपिक छोड़ दिया, पैलेजिक, पैलेजिक का मतलब होता है जो जीव समुद्र के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं पैलेजिक, ठीक है। तो इन सारे जीवों को जो बैरोई है उसको क्या बोलते हैं, समुद्री मिट्रस, क्या बोलते हैं, समुद्री मिट्रस, इसका निकनेम ये भी है। देन अपन लास्ट में इसका जीनस क्या है, बोरेई, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा, हमने पूरी इसकी स्ट्रक्चर देख ली, इसके अंदर क्या स्पेशल फीचर्स है वो देख लिए। ये हमारा मतलब हमको इसको देखने से पहले इसको पढ़ लेंगे तो हमको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हायर एनिमल नहीं है तो अपन इसको इतना डिटेल से जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे, अपन इसका सरफेसली प्रॉपर से समझेंगे, ठीक है। हैबिटेट, हैबिट इसका स्वभाव कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, ये क्या होता है, पैसिफिक तट के साथ साथ फ्लोरिडा के समुद्री ठंडे पानी में पाया जाता है, ठीक है। देन मैं इसके आपको स्ट्रक्चर ये इस प्रकार तरह का बोरोई होता है, ठीक है। कैसा होता है, इसमें ये क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पकड़ने वाले प्रेजेंट नहीं होते, तैरने वाले प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि किसी सरफेस से चिपका हुआ नहीं पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, ये क्या होता है, स्टेटोफिसिस्ट होता है, जो क्या काम करता है, ये संवेदी अंग है किसी भी चीज को महसूस करने के लिए। लेकिन ये क्या है, ओरल रीजन, इसका मुख वाला पार्ट, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हो गई, बहुत आसान से स्ट्रक्चर है। देन मैं इसके आपको स्पेशल फीचर्स बताती हूँ, क्योंकि बोरे कैसा होता है,
बोरवेल में कंकाल प्रेजेंट नहीं होता है, उत्सर्जन प्रेजेंट नहीं होता है, परिवहन प्रेजेंट नहीं होता है और श्वसन तंत्र भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये कैसा है? लोअर एनिमल है। इसके अंदर ना तो आपको उत्सर्जन मिलेगा, ना इसका कोई कंकाल मिलेगा, ना इसमें परिवहन होगा एक जगह से दूसरी जगह सरफेस करने के लिए। कोई स्पेशल कैरेक्टर्स इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, साथ में ये श्वसन भी नहीं करेगा, ठीक है। देन इसमें क्या प्रेजेंट होगा? केवल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्या? तंत्रिका तंत्र। और उस तंत्रिका तंत्र का संवेदी अंग कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है, सर ऊपर। और ये कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। रिप्रोडक्शन करेंगे तो रिप्रोडक्शन के लिए इसमें क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। नर व मादा यानी अंडाशय और क्या वर्षक दोनों एक ही शरीर के अंदर, इसी के अंदर, इधर और इधर दोनों तरफ ग्रसनी के दोनों साइड पाए जाएंगे। कौन से? अंडाशय और वृषणलिंगी। कैसा होगा? उभयलिंगी होगा। तो रिप्रोडक्शन भी करेंगे तो लेकिन जीव कैसा होगा? उभयलिंगी, एक ही शरीर के अंदर पाया जाएगा। जीवन चक्र के अंदर सिल्विक लार्वा अवस्था पाई जाती है, मतलब ये एक ही लार्वा होगा जो प्रेजेंट पाया जाए, जिसको क्या बोलते हैं? सिल्विड। उस लार्वा को क्या बोलते हैं? सिल्विड लार्वा। देन इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, जिसके अंदर किसके द्वारा होता है? वो पुनरुद्भवर के द्वारा। तो ये अपन ऑल ओवर अपनी क्या थी? बोरे की स्ट्रक्चर थी। सबसे पहले हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फाइलम क्या होता है? टिनोफोरा। क्लास होती है न्यूडा। ऑर्डर होता है बरोडिया और जीनस होता है वेरो, ठीक है। ये इसका शरीर होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है भाई? बहुकोशिकीय है, द्विअरी सममित है, कोशिका उत्ती शारीरिक संगठन है, एकल या समूह के अंदर एकल पाया जाता है और स्वतंत्र रूप से तैरता है, समुद्र में पाया जाता है ठंडे पानी में, दर्श कोशिका एब्सेंट होती है, साथ में इसमें 8 कॉम्प्लेट पाई जाती है। ये कैसा होता है? शंकु रूपी दिखाई देता है, मुंह चौड़ा होता है इसका और ग्रसनी प्रेजेंट होती है, साथ में इनको क्या बोलते हैं? समुद्री मिट्रस, ठीक है। इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? पीलिए का अंतरण भी नहीं पाया जाता है। ये क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से जीवन जीते, क्योंकि क्या है? लोअर एनिमल्स है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को क्वेरी में पूछ सकते हैं। थैंक यू।